आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। सिवनी जिले के घनसर झाबुआ पावर प्लांट में कुछ दिन पहले रेलवे ब्रिज के पास गाड़ी फंस गई थी और उस ड्राइवर ने पुलिस और आरटीओ विभाग पर रुपए लेने के आरोप लगाए, जिसके चलते घनसर टोल प्लाजा में 30 से 40 ओवरलोड ट्रकों को रोक दिया है। ड्राइवरों का कहना है कि इतने सालों से यह ट्रक चल रहे हैं, जब नहीं पहले 100 रुपये लेते थे और जाने देते थे, पर अब नहीं ले रहे हैं। ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि आरटीओ विभाग और पुलिस के कुछ लोग हमसे ओवरलोडिंग चार्ज का 100 रुपये लेते थे और हमें जाने देते थे। ड्राइवरों ने कहा कि हमें ना तो पहले से सूचना दी जाती है कि ओवरलोड ट्रक इस रोड से नहीं चलाया जाता है, ना ही तो हम इस रोड में कभी नहीं घुसते। ड्राइवरों का कहना है कि या तो हमसे ओवरलोडिंग का चार्ज लिया जाता है या फिर हमें यहाँ से जाने दिया जाए। अब देखना यह है कि टोल प्रबंधक और आरटीओ विभाग इन ट्रक ड्राइवरों पर क्या कार्रवाई करता है। इसमें होगा 30-32 टन गाड़ी सहित है, जाने क्यों नहीं दे रहे? जाने नहीं दे रहे सर, अभी तक 100 रुपए ओवरलोड के पैसा लेते थे, गाड़ी निकल जा देते थे। अब रात से ही कहीं 100 रुपए नहीं लेंगे ओवरलोड की, गाड़ी रुकवा दिए। कोई चीज है पहले से सूचना देना चाहिए कि भाई ओवरलोड नहीं चलेगी। रोकी गई है आज? ये इसलिए रोकी गई है, ये जो झाबुआ पावर प्लांट से आती है, राखड़ लेके आती है, तो इनमें सब ओवरलोड है। पर्ची इनको काटे गए, काटा पर्ची तो इनकी होती नहीं है, हाथ से लिख के देते हैं 30 टन 32 टन 35 टन। और इसके अंदर जो हमने जब इसमें काटा कराया तो इसका जो वजन मिला है वो किसी में 58 टन है, किसी में 60 है, किसी में 60 से ज़्यादा है। तो इसकी वजह से हमारा सारा रोड खराब हो गया। और इस पिन को हमने बहुत बार इन्फॉर्म भी किया है तो भैया ये अंडरलोड लेके आए, ओवरलोड गाड़ियाँ ना लेके आए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़।